देखो माया कौन तुझी स्थिति को। निष्कामी हुए यही की बात है, जब गोपियां भोजन लेकर के गई कृष्ण के पास तो उन्होंने कहा कि मुझे तो भूख नहीं है, नदी के पार यमुना के पार चले जाओ, वहां दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहा है, ये बहुत ऋषि मुनियों की तपोभूमि हुई है, मथुरा के अंदर ध्रुव ने भी यही तपस्या की थी, नारद ने भी तपस्या की थी, चंद्रमा भी यही उतर करके आए थे, शनि भी यही उतर करके आए थे, हर देवी देवता यहाँ ये सदा से तपोभूमि है, सदा से, क्योंकि अपनी अपनी भूमि का महत्व रहता है, क्योंकि वहां के जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, वो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो व्याप्त रहती है, तो वो ध्यान साधना में बहुत ज्यादा मदद करती है, और ऊपर उठाने के लिए कोशिश करती है और मददगार होती है उस परम चेतना की प्राप्ति के लिए। यहाँ भी वो तो चले गए कन्हैया को, लेकिन जो उन्होंने किया, जो ये पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं, जो कुछ वृक्ष उस समय के बचे हुए हैं, जो ये मिट्टी है, जो वातावरण है, वैज्ञानिक भी खोज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो तरंगे हैं वो कहीं नहीं जाती, ये शरीर चला जाता है, ये बड़ी गहरी खोज है, ये बड़ी गहरी पहुंच है, शरीर चला जाता है, लेकिन जो उन्होंने वातावरण छोड़ा है, जो उन्होंने शब्द छोड़े हैं वो वही रहते हैं, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, व्यक्ति को चला जाता है, अस्तित्व मिट जाता है, लेकिन उसने जो पैदा किया था अपनी तरंगे वो नहीं मिटती, वो वातावरण में गूंजती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि उधर तपस्या कर रहे हैं दुर्वासा जी, वहां चले जाओ, नदी बड़ी उफान पर थी, गोपियों ने कहा कि यमुना को पार नहीं की जा सकती, उस समय पुल वगैरह का प्रबंध बहुत कम था, नाव के सहारे ही पार किया जाता था, नाव वाला किराया लेता था और हर किसी के पास ये उपलब्ध नहीं होता था। आज भी बहुत से लोग जो गरीब हैं वो हर सुविधा को नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसी प्रकार से उस समय भी यही सब कुछ था। तो कान्हा ने कहा कि जाओ बोल देना, अगर कन्हैया ब्रह्मचारी है, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो नदी रास्ता दे दे। एक बार वो गोपियां मुड़ी और देखा, बड़ा आश्चर्य में बाप बोल रहा है, ये हमारे साथ हर रोज रास रचाता है, हर रोज यही खेल खेलता है, ये ब्रह्मचारी, चलो देखते हैं। चली गई और यमुना जी को बोला कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। यमुना जी ने झट से रास्ता दे दिया, बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध हो गया, हर रोज रास रचाने वाला कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है। उधर गई भोजन करा इसी को, वापस मुड़ी तो याद आया कि वापस कैसे जाएंगे, उन्होंने कहा ऋषि वो हम वापस नहीं जा सकते। ऋषि ने कहा ये कैसे थे, उन्होंने कहा कृष्ण ने इस तरह से हमें कहा था, तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया, दुर्वासा जी ने झट से कहा
कि जाओ यमुना जी से कह दो अगर दुर्वासा ने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी भोजन नहीं किया है, तो जाओ रास्ता दे दे। क्या वो भी आश्चर्य था, वहां कम से कम समय का तो अंतर था, रात ही को था, रात दिन में तो नहीं, यहां तो समय का भी अंतर नहीं था। सामने खा रहा है और बोल रहा है, बड़ी अद्भुत घटना। संसार तो ये सोच भी नहीं सकता, मान भी नहीं सकता, विचार भी नहीं हो सकता कि कोई भोजन कर रहा है और कह रहा है मैं नहीं खा सकता, मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं खाने वाला नहीं हूँ। बड़ी अद्भुत घटना। लेकिन पहुंची और बोली, बोलते ही रास्ता दे दिया। आके श्री कृष्ण जी से पूछा, दंडवत प्रणाम करके, कि प्रभु हमें ये घटना समझ नहीं आई, जो ये कार्य हुआ, आप तो भंडसारी कैसे हुए, वो हमारे सामने ही सब कुछ उठा करके मना कर गए। ऋषिवर, बड़ा अद्भुत कार्य हुआ, बड़ी अद्भुत घटना हुई, हमें कृपा कारण समझाइए, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। प्रसारित करके दिखा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भोग भोगने वाला जो ये चोला है, यही है। आत्मा भोग नहीं भोगती, आत्मा तो कर्म से परे है, आत्मा तो सब कर्मों से दूर है। करने वाला भी शरीर है, भोगने वाला भी शरीर है, पाने वाला भी शरीर है, पाप पुण्य करने वाला भी शरीर है, स्वर्ग नरक प्राप्त करने वाला भी शरीर है, लेकिन आत्मा बिल्कुल सबसे दूर है, सबसे अलग है, बहुत दूर। तो मैं तो दुर्वासा की एक ही आत्मा में स्थित है, समय की आत्मा के अंदर सब कुछ है। तो आत्मा के अंदर स्थित है तो फिर शरीर का अस्तित्व ही नहीं, शरीर का महत्व ही नहीं, बहुत दूर हो जाता है ये सब कुछ। तब उनके समझ के अंदर आई कि जो ये ज्ञान है ये बड़ी अद्भुत चीज है। वहां विवेकानंद जी बड़ी दुविधा में राधा ने प्रस्तुत किया कि चलो स्वामी जी नृत्य देखते हैं। विवेकानंद जी ब्रह्मचारी नृत्य कैसे देख सकते हैं, बड़ा अपने आप से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जब जद्दोजहद होती है दूसरे से नहीं, अपने अंदर होती है। विचार इतने उठने लगे, खुद खुद के विचारों को ही तोड़ने लगे, खुद खुद के विचारों में ही उलझे रहे, खुद खुद के अंदर इतने प्रश्न उत्पन्न हो गए, इतने प्रश्न उत्पन्न हुए सोच भी नहीं सकते, और विस्फोट सा होने लगा बुद्धि के अंदर, लेकिन खोज नहीं पाए, पा नहीं सके, और बार बार मना करने लगे। लेकिन वहां उस नर्तकी ने गाना प्रारंभ कर दिया था, उनका गाना भी बड़ा अद्भुत था, तो वो क्या सब